एक बड़ी अपडेट यहाँ पे एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए आई हुई है। पूरी अपडेट यहाँ पे विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एमपी के दो मंत्री भिड़े, शिक्षा मंत्री बोले 31 के बाद भी नहीं खुलेंगे स्कूल, एग्जाम भी बढ़ सकते हैं, गृह मंत्री ने कहा 31 को ही तय होगा। तो यहाँ पे स्कूल शिक्षा मंत्री ने दोस्तों यहाँ पे बड़ा बयान दे दिया है कि 31 के बाद भी आपके स्कूल और यहाँ पे जो नहीं खुलेंगे दोस्तों, और एग्जाम की जो डेट है वो भी बढ़ सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर सीएम शिवराज सिंह के दो मंत्री भिड़ गए हैं। शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा है कि कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी की स्थिति में 1 फरवरी से स्कूल खोलना आसान नहीं है, एमपी बोर्ड की परीक्षाएं भी आगे बढ़ाई जा सकती है। मंत्री परमार ने कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह में समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही स्कूल खुलने और बंद करने पर निर्णय लिया जाएगा, यह कोरोना के असर को देखते हुए तय किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूल खोलने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लेंगे। नरोत्तम बोले 30-31 को सीएम करेगा समीक्षा। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 30-31 जनवरी की कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, समय कुछ उसी में तय होना है। इस बयान के महज 8 घंटे के बाद ही अंदर स्कूल शिक्षा मंत्री ने फिर एक नया बयान देकर चौंका दिया। एक दिन पहले परमार ने कहा था कि 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खोलने की स्थिति नहीं है। इसी के बाद गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मिश्रा ने अलग लाइन से बयान देकर राज्य सरकार का रुख बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने परमार ने दूसरी बार स्कूल नहीं खोलने का बयान देकर स्कूल शिक्षा विभाग की मंशा साफ कर दी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बैतूल में शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया था। एक दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा था कि 31 जनवरी के बाद स्कूल को खोलना या बंद करना कोरोना की परिस्थिति पर निर्भर करता है, कोरोना का प्रभाव कम हुआ तो स्कूल खुल भी सकते हैं, अगर प्रभाव ऐसा ही रहा तो बढ़ा तो फिर स्कूल बंद हो जाएंगे, समय पर समीक्षा करेंगे फिर तय करेंगे कि स्कूल खोला जाए या नहीं। मुझे नहीं लगता कि 31 जनवरी को स्कूल खोलने की ये स्थिति सही है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना की स्थिति कुछ इस प्रकार है मध्य प्रदेश में। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आ चुका है, उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि परीक्षा ऑफलाइन ही करेगी, हमारा प्रयास है कि अगर तारीख आगे बढ़ाई जाती है तो भी ऑफलाइन परीक्षा ही हो, परीक्षा ऑफलाइन ही होगी दोस्तों। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक यहाँ पे हालात एमपी के अगर ठीक हुए तो स्कूल खुलेंगे, वरना स्कूल नहीं खुलेंगे और जो परीक्षा की तिथि है उसमें बदलाव हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों 1 या 2 तारीख को आपको नया टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। आपकी राय क्या है? जो ट्वीट हमने किया है दोस्तों रीट्वीट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुहिम में साथ दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।